डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जहां हमने कल क्लास को छोड़ा था, है ना। कल की क्लास हमने यही छोड़ दी थी और इस बात पर छोड़ी थी कि आप इसको सॉर्ट आउट करके रखोगे। हो सकता है कईयों ने सॉर्ट आउट कर लिया हो और कईयों से नहीं हुआ हो, ठीक है। नहीं हुआ कोई टेंशन नहीं है, चलो करते हैं स्टार्ट। कल की क्लास में थे हमारे पास ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, ठीक है। तो हमें ए बी सी फाइंड आउट करना था। यहां देखा हमने एक पार्ट और ऐड हो गया, दैट इज सी रेशियो डी। एक सिंपल सा लॉजिक देते हैं आपको और वो लॉजिक ऐसा है जो अगर आप इन फ्यूचर कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बैठते हो तो भी आपके काम आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा मैंने ए रेशियो बी रेशियो सी एंड रेशियो डी। हमें ओवरऑल कंपेयर तो करना था, चलो हमने सबको लिख दिया इस साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल ए रेशियो बी कितना मिला, 3:4, सिंपल सा काम था, है ना। अब बी रेशियो सी दे रखा है तो देखो बी यहां भी है, इसके पास सी है, तो बी के नीचे बी की वैल्यू लिख दी और सी के नीचे मैंने सी की, यानी जो जैसा दे रखा है वैसा प्लॉट करते चले। सी के लिए नीचे ले तो 8:9। आप सोचोगे सर क्या कर रहे हैं ना, चलो एक नया काम करते हैं, इसको कहते हैं जुगाड़, है ना। इसको क्या कहते हैं अपना, जुगाड़। जुगाड़ में कुछ दिख रहा है देखो आपको कि मैंने सब जगह रेशियो के साइन बना दिए, यानी यहां मैं कुछ ना कुछ लिखने वाला हूं। वो क्या लिखने वाला हूं देखो, यहाँ सी और डी दोनों ब्लॉक मेरे खाली है, है ना। इससे जस्ट प्रीवियस में कौन है, बी। बी के पास कितना है बेटा, 4, तो ये 4 सबके पास चिपका दो, ये लो, इसके पास भी चिपका दिया, इसके पास भी चिपका दिया, क्लियर है। नेक्स्ट रो में देखो यहाँ कौन लिखा मुझे, 6 के जस्ट बाद वाला प्लेस खाली है, तो वहां क्या चिपकाऊंगा मैं, नो डाउट 6। कंप्लीट हो गया। इधर देखो यहां लिखा 5 से जस्ट प्रीवियस ब्लॉक खाली है, तो यहां भी मैंने कितना लिख दिया, 5। यहां 8 था, 8 से 2 पहले वाले खाली थे, तो यहां भी 8, यहां भी 8, सारे ब्लॉक भर गए। यानी हमने अपनी जेब से क्या क्या चिपकाया, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है उन सबको मैंने वहां चिपका दिया है। ये पार्ट मैंने अपनी जेब से चिपका दिए और ये सर्किल वाले पार्ट ऑलरेडी हमें गिवन थे, यानी ये रेशियो हमें ऑलरेडी गिवन था और जिसको अंडरलाइन पार्ट किया है उन सबको मैंने वहां चिपका दिया। पहले क्वेश्चन क्लियर करते हैं, फिर अगर किसी के पास डाउट होगा तो एक क्वेश्चन और करके फिर डाउट क्लियर करेंगे। तो एक बार अपने हैंड रेज मत करो बेटा, ठीक है। ये काम तो हमने कर दिया यहां पर, अब करनी है हमें मल्टीप्लाई। क्या करनी है अब हमें, मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, मल्टीप्लाई इस लाइन में जितने बैठे हैं उन सब की। 5, 8, 40, 40 को 3 से किया 120, 8, 5, 40, 40 को 4 से किया 160, 8, 6, 48 और 48 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 192, ठीक है। यहां क्या देखो, 6, 4, 24 और 24 को कर दिया मैंने 9 से मल्टीप्लाई, 9, 4, 36, 9, 2, 18, 216, ये मिल गया मुझे मल्टीप्लाई करने के बाद का आंसर। अब ये जो रेशियो मिला है उस रेशियो को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट करता हूं 8 की टेबल से डिवाइड, क्योंकि मेरे सब लोग 8 से डिवाइड होते हैं। इसको किया डिवाइड, 15, 8, 120, 8, 2, 16, फिर गया 8, 2, 16 और 8, 4, 32, ठीक है। और ये गया हमारा 8, 2, 16 और 7, 8, 56। तो फाइनल रेशियो क्या बना अपना, 15:20, ratio 24, ratio 27। एक
शॉर्टकट और है इसमें कि अगर हमें कहीं लगता है कि जो रो मैंने बनाई है उस रो में भी इनमें से एक ही टेबल से अगर कोई आपस में कैंसिल हो रहा हो तो आप उसमें भी कैंसिल कर सकते हो, उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे अभी, ठीक है। एक फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बात करते हैं इसी टाइप के एक और नए क्वेश्चन की, ठीक है। आई थिंक स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका, तो क्या आपकी बुक में सिर्फ इस टाइप का एक ही क्वेश्चन गिवन है? मैं दूसरा क्वेश्चन एक और लिखता हूं जो फिर हमें यही चीज सिखाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट ये सिंपलेस्ट तरीका था तो मैंने आपको लगा कि आपको यही तरीका करवा दिया जाए। चलो लिया मैंने इसका एक पार्ट और, जिसमें दिया ए रेशियो बी में 2:3, 5:4 एंड 3:7। कोशिश करके देखो क्या होता है इसका आंसर। जैसा लॉजिक मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी का लिख दिया मैंने 2:3, बी और सी का लिखा मैंने 5:4, नेक्स्ट लिखा मैंने 3:7। ये तो मेरे सारे क्या थे, गिवन थे, तो मैंने इन सबको सर्किल बना दिया। अभी के अनदर पार्ट में कौन है, सी और डी, दोनों ब्लॉक खाली है तो नो डाउट कॉपी किसकी होगी, बी की। कितना कर दू कॉपी, 3। तो जो कॉपी पार्ट है इसको मैं अंडरलाइन से शो कर रहा हूं। नेक्स्ट सी में दे रखा है मुझे 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा मेरे पास, ये कॉलम कंप्लीट है। यहां से फर्स्ट फ्री था तो 5, और यहां से ये 3 के लेफ्ट पार्ट में रिमेनिंग है तो मैंने इसको लिखा आपके लिए 3 और 3। अब करनी थी हमें मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई में देख लो अगर कुछ आपस में कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल भी हम लोग कर सकते हैं ताकि हमें नेक्स्ट यानी लास्ट रो में मल्टीप्लाई करने के बाद वापस डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 3 1 3 3 1 3 3 1 3 और 3 1 3, यानी मैंने 3 को आपस में कैंसिल कर दिया। बचे हुए की मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 और 7 4 जा 28। सिंपलेस्ट में मैंने कट करते ही आपके लिए काम और आसान हो गया है ना। आई थिंक क्वेश्चन आसान था। एक इस टाइप का डू योर सेल्फ के पार्ट में अभी दे देता हूं आपको मैं, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी एंड सी रेशियो डी, 2:3, 4:3 एंड 2:3। ये आपका डू योर सेल्फ का पार्ट है, यानी इसका आंसर आपको खुद को सॉर्ट आउट करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4th, 18 लीटर मिल्क हैज बीन सप्लाइड बाय ए वेंडर, कि कुल मिला के 18 लीटर मिल्क जो है एक वेंडर के द्वारा सप्लाई किया जाता है, तो टोटल मिल्क कितना हुआ अपने पास, 18 लीटर, ठीक है। ही मिक्स मिल्क विद वाटर इन द रेशियो, ये तो पुरानी आदत है ना, यानी क्या क्या मिला हमें, वाटर और मिल्क का रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क इज रेशियो वाटर, क्यों कहता है कि 5:1 के रेशियो में दोनों मिले हुए हैं, यानी अगर 5 लीटर मिल्क है हमारे पास तो उसमें उसने 1 लीटर पानी मिला दिया है ना, 1 लीटर के पैसे कमा लिए उसने। तो चल टोटल मिल्क कितना था हमारे पास में, 18 लीटर, कुल मिला के 18 लीटर मिल्क है हमारे पास, उसमें से उसका रेशियो दे रखा है 5:1 का,
फाइंड द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क इन द मिल्क सप्लाई, यानी जो मिल्क सप्लाई किया गया उस सप्लाई किए गए मिल्क में प्योर मिल्क कितना है। तो बात वही होगी, प्योर निकाल दो तो वाटर भी आ जाएगा हमारे पास। तो एक बात करते हैं, जब हमें रेशियो में बात दे रखी हो तो हम लोग करते हैं सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो। तो सम ऑफ रेशियो जाएगा 5 + 1 = 6। फर्स्ट ऑफ ऑल किसको बांटना है हमें, मिल्क को। तो इसका एक फॉर्मूला होता है अपने पास, रेशियो ऑफ गिवन क्वांटिटी अपॉन सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल कह दो या एक्चुअल कह दो। ठीक है, तो देखो यहां गिवन रेशियो किसका निकालेंगे हम, मिल्क के अकॉर्डिंग। तो मिल्क का रेशियो कितना है हमारे पास, 5 अपॉन में क्या आएगा, सम ऑफ रेशियो दैट इज 6। एक्चुअल मिल्क कितना था अपने पास, 18। हमेशा इस कंडीशन में ध्यान रखना आप लोग, ये जो सम ऑफ रेशियो है उसी से इस एक्चुअल को कट करना, तो आपको हर बार कैंसिलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, 5 × 3 = 15 लीटर। अगर मैं वही किसकी बात करूं, वाटर की, तो वाटर का रेशियो 1 टोटल 6 मल्टीप्लाई बाय 18, ये 1 टाइम, ये 3 टाइम, 3 × 1 = 3, यानी वो अगर वो 18 लीटर मिल्क सप्लाई कर रहा है तो उसमें 15 लीटर तो प्योर मिल्क है और 3 लीटर उसने क्या कर दिया है, वाटर मिक्स कर दिया उसने। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन समझ, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर फॉलोइंग प्रोपोर्शंस इज ट्रू और नॉट, कि यह प्रोपोर्शंस ट्रू है या फिर नहीं है। तो प्रीवियस क्लास में आपने एक फॉर्मूला रीड किया होगा, शायद याद हो तो आपको, उसमें होता था जब टू रेशियोज अपने साथ आ जाते हैं एक साथ पेयरिंग में, उस समय उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शंस में, उस कंडीशन में मिडल वैल्यू होती है अपनी मीन और आउटर वैल्यू को हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम। अगर रेशियो की बात करें और प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करें उसको, तो प्रोपोर्शंस कब इक्वल हो सकते हैं, जब कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट मीन्स होता है आपकी मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो एक्सट्रीम की मल्टीप्लाई जो है वो मीन की मल्टीप्लाई के क्या होनी चाहिए, इक्वल। करके देखें कि 12 × 75 = 36 × 25। अगर ये आपस में इक्वल आती है तब तो गिवन वैल्यू जो है अपनी वो किसमें है, प्रॉपर रेशियो में है, अदरवाइज नहीं है। चले करते हैं मल्टीप्लाई, देखो 12 × 5 = 66, 12 × 7 = 84, मल्टीप्लाई किया 90, यानी 900 बन गया ये तो। ठीक है, इधर देखें 25 ने 6 से मल्टीप्लाई किया, 150 का जीरो कैरी लग गई 15, 25 × 75 में 15 ऐड करते बना 90, यानी बोथ साइड इट मींस LHS और RHS कह दें, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 900 है और प्रोडक्ट ऑफ मीन भी कितना है, 900 है। सो जो क्वेश्चन गिवन था अपने पास वो किसमें था अपना, प्रोपोर्शंस में, किसमें था ये, प्रोपोर्शन में। इट मींस आंसर क्या हो गया अपना, कि ट्रू। अगर इक्वल नहीं बनते इट मींस ये क्या होता अपना, फॉल्स। ठीक है, यानी ये जो 8.1 एक्सरसाइज है वो आपका रिकैप है ना,
रिवीजन कह दो क्लास सेवंथ का। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये कह रहा है इफ 7:x इज इक्वल टू 17.5 इज रेशियो 22.5 फाइंड x। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने मिडल में लगाया था प्रोपोर्शन का साइन, इट मींस मैंने ओवरऑल लगाए थे ऐसे फोर डॉट्स। अगर मैं चाहूं तो ऐसे फोर डॉट्स लगाऊं या फिर इक्वल का साइन लगाऊं, ये दोनों कंडीशन किसके लिए होती है, मेरी प्रोपोर्शंस के लिए, यानी सिंबल होता है अपना प्रोपोर्शन का, ठीक है, यानी इसका मतलब ये इसके प्रोपोर्शन में है। चलें बात करें 7:x इज इक्वल टू 17.5 इज रेशियो 22.5। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अपना फॉर्मूला क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, उल्टा सुल्टा कैसे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना प्रोडक्ट ऑफ मीन दोनों का इक्वल होगा, यानी x किससे मल्टीप्लाई करेगा 17.5 से और 7 मल्टीप्लाई करेगा 22.5 से, करें मल्टीप्लाई में तो चले लिखा मैंने एक्सट्रीम के लिए 7 मल्टीप्लाई बाय 22.5 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 17.5। Therefore, x is equals to 7 multiplied by 22.5 upon 17.5. Decimal से decimal remove हुआ मेरा, क्योंकि ऊपर भी 1 digit थी, नीचे भी 1 digit. 10 से 10 cancel हो सकता है अपना, ठीक है? ये देखो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, remaining रहा 3 5 35, 7 5 जा 35. 25 की टेबल से 1 टाइम, 25 की टेबल से 9 टाइम, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9, ये हमारा फाइनल आंसर बनता है। तो यहां तक ये हमने टोटल क्वेश्चन नंबर 6 तक, आई थिंक क्लास ओवर होने का टाइम हो रहा है ना, आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय बेटा।